Shut up and sit down. तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के जनरल नॉलेज के वीडियो में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने जीके सीरीज का वीडियो नंबर 99। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। तो वो होता है लीवर। लीवर जो होता है वो आपका बाइल जूस रिलीज करता है या प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। ठीक है, कहां पे, लीवर में। देन क्वेश्चन नंबर टू, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी। ये स्कर्वी क्या है, ये स्कर्वी एक डिजीज होता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है स्कर्वी, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है आपका विटामिन सी के कमी से होता है आपका। ठीक है, और यहां पे डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, याद रखिए। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट इन इलेक्शंस। मतलब ऐसा पहला, दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है, कंट्री कौन सा है जहां पे महिलाओं को भी वोट देने का हक है, हक मिला, ऐसे बोलिए हक मिला। तो वो था आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां पे महिलाओं को वोट देने का हक मिला। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फोर, विच साइंटिस्ट वाज नोन एज विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क के नाम से हम लोग कौन से साइंटिस्ट को जानते हैं, तो उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन। देन ऑन 6 अप्रैल 1909 हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। यहां नॉर्थ पोल का मतलब है आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम क्या था और वो कब गए थे, 6 अप्रैल 1919 को। तो उनका नाम था रॉबर्ट एडविन पियरी। ठीक है, रॉबर्ट एडविन पियरी जो पहले व्यक्ति थे जो नॉर्थ पोल पे गए थे, और कब गए थे, 6 अप्रैल 1919 में, ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या नाम था, तो उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये आपका मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बस। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। सत्याग्रह जो हुआ था भारत में, तो वो कहां से स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी कहां से शुरुआत किए थे इसका, तो ये शुरुआत किए थे चंपारण से, जो कि कहां पे है, बिहार में, चंपारण। ठीक है, चंपारण जो कि है बिहार में। ठीक है, जो कि आपका बिहार में। देन क्वेश्चन नंबर एट, HQ यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज इन। ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICAO। एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लेगा कि ICAO का हेडक्वार्टर कहां पे, तो इसका हेडक्वार्टर होता है आपका कैनेडा में। कैनेडा के कहां पे, मॉन्ट्रियल शहर में, कैनेडा के कहां पे मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल शहर पे। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एडल्ट एट रेस्ट। मतलब यानी कि पूछ रहा है, जो एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट, उस उनका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल कितना होता है, तो उसका होता है 72 बीट्स पर मिनट। कितना, 72 बीट्स
बीट्स पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट, इतना एक मिनट में इतना धड़कता है नॉर्मल एडल्ट का। देन क्वेश्चन नंबर 10, द हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवे इज इन, सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहां पे है? तो वो आपका मुंबई में, मुंबई। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 1 to 10 क्वेश्चन ऑल क्लियर हो चुका है आज का, तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरा जीके सीरीज का वीडियो नंबर 99 आज हम लोग कंप्लीट किए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ अपना 100 नंबर वीडियो लेके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।